हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। सर्दियां हैं तो गाजर का हलवा सभी बनाते हैं, लेकिन आज मैं गाजर का हलवा इस तरह से बनाऊंगी कि वो जल्दी बनकर रेडी हो जाए, क्योंकि गाजर के हलवे में बहुत टाइम लगता है बनने में। तो मैंने ये कुछ गाजर ली है, जो कि 2 किलो गाजर है ये, और मैंने इन्हें वॉश करके इसके जो ऊपर का छिलका है वो सब उतार दिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए, ये मैंने सब ग्राइंड कर ली है और अब मैं इसे डालूंगी प्रेशर कुकर के अंदर। देखिए, मैं इसके अंदर 1 कटोरी दूध भी डालूंगी, जो मलाई युक्त होगा, जिसमें काफ़ी सारी मलाई है। और अगर आपके पास हो मलाई तो आप डालें, ना हो तो कोई बात नहीं, आप दूध भी डाल सकते हैं, और ना भी डालना चाहें तो आप मत डालिएगा। देखिए, अब हम इसे बंद कर देंगे और हम इसे बंद करके इसमें 3 सीटियां लगाएंगे। देखिए, 3 सीटियां इसमें लग गई हैं। इसका मैं गैस निकाल के मैं इसको एक कढ़ाई के अंदर डाल के इसको पकाऊंगी। देखिए, हमारी गाजर बिल्कुल गल चुकी है। और देखिए, मैंने ये कढ़ाई गैस पे रख दी है और गैस ऑन कर दी है, और मैं अब इसको भूनूंगी इसमें डाल के। इसमें जितना भी पानी है वो सब हमें सोख लेना है, पानी को खत्म करना है बिल्कुल। देखिए, इस तरह इसको चला चला के हम इस पानी को सूख लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये पानी इसमें नहीं होना चाहिए। और गैस का फ्लेम हम तेज कर सकते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसे चलाते रहना है ताकि हमारा हलवा बनके जल्दी से रेडी हो जाए। मैंने इसमें ये 1 बाउल चीनी डाली है। देखिए, ये ना तो बहुत छोटा बाउल है और ना ही बड़ा है, ये बीच का है। इसमें 200 ग्राम चीनी होगी, और चीनी देखिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आप थोड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं हलवे में तो थोड़ी ज़्यादा, और कम तो आप थोड़ी कम डाल सकते हैं। आप एक बार चेक करके देख लीजिएगा कि कितना इसमें मीठा है, आप अपने अनुसार उतना ही डाल दीजिएगा। देखिए, अब चीनी ने पानी छोड़ दिया है और हम इसको पानी को भी सूख लेंगे अच्छे से। इसको हमें पानी को बिल्कुल खत्म कर देना है और तब हम इसमें मावा डालेंगे। हमको इसे चला चला के भूनना है। देखिए, ये 1 बाउल ही मावा है, ये भी 200-250 ग्राम मावा होगा, 250 ग्राम मावा होगा। अब इसे हम चला के अच्छे से मावे को इसको बीटी मिक्स कर देंगे। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं इसमें डालना हलवे में, तो आप इस वक्त इसमें काजू और बादाम कट करके, बारीक कट करके आप डाल सकते हैं। देखिए, हमारा हलवा बनके रेडी हो गया है और मैं इसको अब सर्व करूँगी, और ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इस तरह से ज़रूर बना के देखिए, ये 20 या 25 मिनट में बनकर बिल्कुल रेडी हो जाता है, और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। मावा पहले निकाल के रख लीजिए आप, और फिर इसको बनाइए तो आप बहुत जल्दी बना लेंगे इसको। और ये मैंने काजू से बारीक कट के गार्निश किया है, और आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और आप ज़रूर बना के देखिएगा इस तरह से, आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू।